हाय दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल क्लैशिंग अड्डा में। और फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं अपकमिंग ट्रूप के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो दोस्तों, अपकमिंग ट्रूप क्या होना चाहिए, उसकी कॉन्सेप्ट क्या होनी चाहिए, उससे पहले गाइज क्लैश रॉयल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर कोई भी बंदा ये वीडियो व्यू कर रहा है जो नहीं जानता कि क्लैश रॉयल क्या है, तो गाइज क्लैश रॉयल एक गेम है जो सेम कंपनी सुपरसेल का है। और उसमें भी गाइज बहुत सारे मिलते जुलते कार्ड्स वहाँ पे बोलते हैं ट्रूप्स है वहाँ पे भी। तो मैं क्यों क्लैश रॉयल के बारे में बात कर रहा हूँ गाइज, अगर आपको नहीं पता तो इसकी मेन बेसिक रीज़न ये है क्योंकि हम लोग ने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें देखे हैं जो क्लैश रॉयल से क्लैश ऑफ क्लैंस पे आए हैं। नंबर वन, जो लास्ट अपडेट था, जो नए ट्रूप्स आए थे लास्ट, माइनर्स एंड बेबी ड्रैगन्स, वो आए थे क्लैश रॉयल से। अगर आपको नहीं पता गाइज, इस इमेज में भी आपको दिखाना चाहता हूँ, बेबी ड्रैगन एंड माइनर ये दोनों क्लैश रॉयल के कॉन्सेप्ट थे। और बम टावर, जो लेटेस्ट डिफेंस था, टाउन हॉल 10 में इंक्लूड किया गया था, टाउन हॉल 8 में इंक्लूड किया जाता था गाइस, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये भी क्लैश रॉयल का कॉन्सेप्ट था। और जो हम लोग सीजनली कुछ ट्रूप्स देखते हैं, कुछ ओकेजनली ट्रूप्स जो देखते हैं, जैसे कि हमने जायंट स्केलेटन देखा, हमने देखा आइस विजार्ड, हमने देखा बैटल रैम जो बारबेरियन एक लॉग लेके भाग रहे थे, तो गाइस वो सारी जो चीज़ें थी, वो सारी जो कॉन्सेप्ट थी, वो रॉयल की कॉन्सेप्ट थी। तो क्या नियर फ्यूचर में ये नहीं हो सकता कि रॉयल का कुछ और एक ट्रूप या फिर एक परमानेंट ट्रूप जो है वो आए क्लैश ऑफ क्लैंस में, इस साल शायद 2018 में। तो अगर आया तो वो क्या ट्रूप होना चाहिए, क्या वो डार्क ट्रूप होना चाहिए, क्या वो एलेक्सी ट्रूप होना चाहिए, उसकी हाउसिंग स्पेस क्या होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें के बारे में बातें करेंगे हम लोग। तो गाइज आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए, इंटरटेनिंग वीडियो होगी। और उसी के साथ गाइज आप लोग मेरा फीडबैक भी दीजिएगा आप लोग मेरे को कि क्या होना चाहिए गाइज, ये होना क्या चाहिए, इसकी स्पेस वगैरह क्या होनी चाहिए। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और एक लिस्ट मैं बना रहा हूँ टॉप 5 कार्ड्स या फिर टॉप 5 ट्रूप्स जो मेरे हिसाब से अगर ये क्लैश रॉयल से क्लैश ऑफ क्लैंस में आए तो बड़े मजेदार चीज होने वाली है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं ये 5 ट्रूप्स के बारे में। दोस्तों वेलकम बैक। और जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर में हम लोग दोस्तों बातें कर रहे थे कि अगर 2018 में कोई नया ट्रूप आता है और वो कॉन्सेप्ट अगर क्लैश रॉयल से लिया गया हो, तो कौन सा आपको लगता है कि कौन सा ट्रूप होने से सबसे ज़्यादा आपको मज़ा आएगा या फिर सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगी आपके लिए? तो एक लिस्ट मैं बना रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से एक लिस्ट बना रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि इन लिस्ट में से कोई भी आपका फेवरेट ट्रूप है तो आप मेरे को ज़रूर कॉमेंट में बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये ट्रूप होना चाहिए जो मेरे लिस्ट में नहीं है, तो वो भी मेरे को ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों पहले लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में जो नंबर वन मैं कार्ड रखना चाहता हूँ, ट्रूप रखना चाहता हूँ, वो है जायंट स्केलेटन। तो जायंट स्केलेटन को नंबर वन पे रखने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम लोग ऑलरेडी जायंट स्केलेटन देख चुके हैं, जान चुके हैं वो क्या करता है। तो दोस्तों पहले जब जायंट स्केलेटन आया था, हम लोग ने ये देख लिया कि उसका फेवरेट टारगेट डिफेंस है, उसका हाउसिंग स्पेस 20 है और वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। जब जायंट स्केलेटन मर रहा था तब एक बड़ा बम एक्सप्लोड हो रहा था जो काफ़ी डैमेज भी कर रहा था। तो इस हिसाब से जायंट स्केलेटन को मैंने नंबर वन पे रखा है क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी उसका कमाल जो है वो देख लिया है। अब इस लिस्ट में नंबर दो पे आता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रूप होने वाली है, वो है मेगा नाइट। दोस्तों अगर आप क्लैश रॉयल खेल चुके हैं तो आपको पता होगा कि मेगा नाइट कितना बढ़िया, कितना अमेजिंग ट्रूप है। और अगर किसी ने मेगा नाइट नहीं देखा है तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये स्पेसिफिकेशन है मेगा नाइट के। तो मेगा नाइट अगर आता है तो गाइस पहले आपको मेरे को बताना है कि कितना हाउसिंग स्पेस होना चाहिए मेगा नाइट का, और क्या वो डार्क ट्रूप होना चाहिए या फिर वो एलेक्सी ट्रूप होना चाहिए। तो इसके स्पेसिफिकेशन गाइस अगर हम लोग देखें तो इसका जो डैमेज है वो काफ़ी अच्छा है, हिट पॉइंट 3300 काफ़ी अच्छा है। अगर ये क्लैश ऑफ क्लैंस में आता है, हो सकता है ये थोड़े बहुत चेंजेस आए, पर ये जंप डैमेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। जंप डैमेज भी क्या होता है, समझ लीजिए, अगर वो ट्रूप कहीं भी एक बिल्डिंग के सामने आता है तो दूर से उस बिल्डिंग के ऊपर जंप करता है, और जैसे ही वो बिल्डिंग से टकराता है तो एक अच्छा खासा डैमेज होता है बिल्डिंग को। तो ये बहुत उसकी खासियत है मेगा नाइट की। तो इसीलिए मैंने नंबर दो पे रखा है मेगा नाइट को, क्योंकि मेगा नाइट बहुत ही तगड़ा, बहुत ही पावरफुल है। अब नंबर तीन के ऊपर बात करते हैं, जो नंबर तीन पे मैं अपनी लिस्ट में रख रहा हूँ वो है एग्जीक्यूटर का। तो दोस्तों एग्जीक्यूटर को नंबर तीन पे रखने का सबसे खास, मतलब मेरे हिसाब से सबसे खास जो डिसीजन है वो यही है कि इसका डबल डैमेज। अगर आपको नहीं पता दोस्तों, तो एग्जीक्यूटर, अगर आप क्लैश रॉयल कभी नहीं खेले हो, तो एग्जीक्यूटर एक ऐसा ट्रूप है जो एक बूमरैंग थ्रो करता है। देख सकते हैं यहाँ पे इस इमेज में, इसके हाथ में बूमरैंग है और ये बूमरैंग जाता है, किसी भी एक चीज़ से टकराता है, फिर वापस आते वक्त फिर से टकराता है, तो डबल डैमेज करता है। इसके स्पेसिफिकेशंस आप देख सकते हैं, इसका हिट पॉइंट जो है वो काफ़ी डिसेंट हिट पॉइंट है और डैमेज वगैरह सब कुछ अच्छा है। अगर ये क्लैश ऑफ क्लैंस में आता है तो शायद थोड़ी चेंजेस हो सकते हैं, पर आपको बताना है कि अगर आपको एग्जीक्यूटर पसंद है तो उसकी हाउसिंग स्पेस क्या होनी चाहिए, और क्या वो डार्क ट्रूप होना चाहिए या फिर वो एलेक्सी ट्रूप होना चाहिए। तो ये तो था दोस्तों नंबर चार, तीन पे एग्जीक्यूटर। अब नंबर चार के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों बहुत जन एग्री नहीं करेंगे जो नंबर चार में मैं बोलने वाला हूँ, पर इसका रीज़न मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो नंबर चार पे मैं जिस कार्ड को रख रहा हूँ या फिर ट्रूप को रख रहा हूँ, वो है लंबर जैक।
अब लंबर जैक को नंबर चार पे रखने का मकसद यही है कि दोस्तों लंबर जैक एक ऐसा ट्रूप है जो जब भी भागता है एक रेस पे लेके भागता है, तो जब वो मरता है एक रेस पे वहाँ पे गिर जाता है। तो अगर आप उसको मिक्स करें ग्राउंड ट्रूप के साथ, समझ लीजिए विचेस बोलर्स के साथ या फिर वेलकायरीज के साथ, तो एक स्पेल आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा अगर आप एक भी लंबर जैक यूज़ करते हैं। अगर आप दो तीन लंबर जैक यूज़ करते हैं तो आप और दो तीन रेस स्पेल आपको मिल जाएगी, क्योंकि लंबर जैक जब भी मरता है एक रेस स्पेल वहाँ पे गिर जाता है। तो दोस्तों इस हिसाब से मैंने लंबर जैक को नंबर चार पे रखा है। अगर आपको भी लगता है कि लंबर जैक एक अच्छा ट्रूप है तो आप ज़रूर बताइएगा मेरे को, एंड अगर लंबर जैक आना चाहिए तो आप मेरे को बताना कि उसका हाउसिंग स्पेस क्या होना चाहिए और क्या वो डार्क ट्रूप या फिर एलेक्सी ट्रूप होगा। अब इस लिस्ट में जो आखिर में है वो एक गर्ल है, वो एक फीमेल ट्रूप है, वो है बैंडिट गाइस। अब बैंडिट को नंबर फाइव में रख रहा हूँ और उसका सबसे बड़ा रीज़न है उसका स्पीड। अगर आप क्लैश रॉयल खेलते हैं उसका आप पता ही होगा कि उसका स्पीड कितना ज़्यादा है और डैमेज भी काफ़ी अच्छा है। और अगर आपको नहीं पता गाइस तो बैंडिट का जो स्पीड है वो सुपर फास्ट है। मतलब अभी आपने क्या देखा होगा सबसे फास्ट ट्रूप शायद गॉब्लिन या फिर मिनियन, तो बैंडिट मान लीजिए कि बैंडिट उससे भी डबल स्पीड में भागती है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपको लगता है कि बैंडिट आनी चाहिए तो आप मेरे को बताना कि उसका स्पेस क्या होना चाहिए, हाउसिंग स्पेस, और क्या वो एलेक्सी ट्रूप होना चाहिए या फिर डार्क एलेक्सी ट्रूप होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो लिस्ट मैंने बनाया ये मेरे हिसाब से टॉप फाइव लिस्ट था, और इनमें से एक कार्ड अगर आए या फिर एक ट्रूप अगर आए क्लैश ऑफ क्लैंस में परमानेंटली, हो सकता है आ भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता, तो आप मेरे को बताना कि कौन सा आना चाहिए। और गाइज अगर आपको लगता है कि नहीं कोई अलग सा, मतलब जो मैंने डिस्कस ही नहीं किया वो आना चाहिए, तो ज़रूर मेरे को बताना। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और इसे एक थम्सअप ज़रूर दीजिएगा। तो गाइज मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, और गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ कंटिन्यू पाने के लिए। बाय गाइज, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। I have you.